आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक, तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9932181720947608201031922106688 नियर बर्ड लाइन जंक्शन 300 मीटर कैलिकट रोड पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान 744105। के सदस्य बनाएंगे, ऐसा एक कमिटी बना। तो कमिटी बनने के बावजूद आज उसका मौजूद नहीं मिला किसान को सर, इसको बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए सर, गौर करना चाहिए और इस कमिटी को दुरुस्त करना चाहिए और इसको इमीडिएट अगर ऐसा लॉस होता है तो उसको जा करके किसानों को कंपनसेशन देने का काम होना चाहिए सर। अदरवाइज किसान तो यही सोचेगा सर, तो हमको एमएसपी नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद हम अपना रखवाली करके अपना फसल को बचाएं और उसको जो बेचने जाते हैं उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है और रखवाली करते हैं तो नहीं करेंगे, थोड़ा अगर छोड़ देंगे तो बंदा लेके चला जाता है। तो किसान तो चारों तरफ से मार खा रहा है, तो किसान जिएगा तो जिएगा कैसे? तो ये इसका एक मैं बहुत उम्मीद के साथ आपसे बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि 7 साल के बाद एक सेकेंडरी अगर यहाँ पे आए हैं एग्रीकल्चर लेवल से, तो किसानों का दर्द को आप समझिएगा और इसको बहुत जल्दी से इसका एक ठोस कदम उठा करके इसको इम्प्लीमेंट करने का काम प्लीज कीजिएगा सर। ये मेरा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट सर, यहाँ पे किसान लोग बहुत बैठे हैं और बहुत बार ये अपने एग्रीकल्चर डायरेक्टर के सामने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने बात हुआ यहाँ पे जानवरों को। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कैंपबेल बे के APWD गेस्ट हाउस में मौजूद है और आज यहाँ पे सारे किसान और PRI मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रेट निकोबार में दौरा हुआ और आज उन्होंने किसानों के साथ और PRI मेंबर्स के साथ जो है एक मीटिंग यहाँ पे की। ग्रेट निकोबार के किसानों का पिछले काफ़ी सालों से जो है एक डिमांड है कि यहाँ पे MSP जो है वो इम्प्लीमेंट हो, MSP में जो है खोपरा वो यहाँ के किसानों से प्रोक्योर किया जाए। तो इस मामले में हम लोग जो है राजन सिंह जी जो कि ग्रेट निकोबार फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज उनका मुद्दा पे क्या बातचीत हुई। नमस्कार, आज ग्रेट निकोबार में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो आज आए थे यहाँ पे उनका बहुत हम लोग पहली बात तो बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस मुद्दे को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत एक अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिया कि हम लोग बहुत अच्छा तरह से उसमें काम कर रहे हैं और बहुत हमें उम्मीद है कि उनका जो उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको बहुत जल्दी से लागू हो जाएगा। हमारे साथ मिस्टर ES राजेश जी भी जुड़े हुए हैं जो कि प्रमुख है पंचायत समिति कैंपबेल बे के। तो सर, आपने भी कई मुद्दा जो है सेक्रेटरी के सामने रखा किसानों से रिलेटेड, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था और आपका क्या इसमें है कि क्या ये सारे मुद्दे जो किसानों के हैं सॉल्व हो पाएगा अभी आगे? बहुत बहुत धन्यवाद निकोबार टाइम्स के लिए। हाँ, ये आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए थे और हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा एक मीटिंग रहा और इस मीटिंग में जो है ग्रेट निकोबार के जो फार्मर्स एसोसिएशन है उनके पूरे तमाम मेंबर और जो पदाधिकारी वो भी मौजूद थे और साथ में PRI मेंबर हम लोग भी मौजूद थे। तो जो हमारा ग्रेट निकोबार का मेन मुद्दा जो आज के डेट में है जो MSP को लेकर के, उसके बारे में बहुत अच्छा से बातचीत उनके साथ में हुआ और जो भी कार्रवाई प्रशासन के तरफ से सरकार के साथ में और NAFED के साथ में जो भी कार्रवाई लिखित रूप में प्रशासन का उसके बारे में पूरा ब्यौरा जो है सेक्रेटरी साहब ने किसानों के सामने और PRI के सामने रखा और उसके बाद उसको सुनने के बाद किसानों को भी और हमें भी लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है हमारा जो मांग है ये पूरा होने वाला है। तो उसमें एक छोटा सा चीज़ फंस रहा था, एनकोफेड के साथ में जो NAFED का एग्रीमेंट होना था उसमें कुछ दिक्कत आ रहा था। तो किसानों के बिहाफ में हमने एक सुझाव भी उनको दिया, अगर एनकोफेड इसमें कुछ दिक्कत कर रहा है तो और भी बहुत सारी प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं जो उनके साथ में डायरेक्ट NAFED के साथ में एग्रीमेंट हो सकता है तो उनके साथ कर दिया जाए तो वो बहुत जल्दी इसका समाधान हो सकता है। तो इस सुझाव को भी
उन्होंने माना है और इसके ऊपर भी उन्होंने वहाँ जा करके चर्चा करने का एक आश्वासन हमें दिया है। तो कुल मिला करके बहुत अच्छा रहा, MSP को लेकर के भी जो बात हुआ है और हम बहुत आश्वस्त हैं कि उनके जाने के तुरंत बाद इसके ऊपर में एक हमको अच्छा एक खुशखबरी मिल सकता है और किसानों का जो स्थिति है इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आने का भी बहुत बड़ा एक उम्मीद हम लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों की तरफ से हमने जो सीड्स है, जो बीज है और जो कीटनाशक है और दवाइयां हैं और खाद है, इसका जो समय समय पे नहीं मिलने का भी उनके सामने इस बात को रखा, इसमें कुछ ना कुछ काम होना चाहिए ताकि समय समय पे फसल का जो भी रिलेटेड दवाई और बीज वो मिले और किसान उससे भरपूर फ़ायदा उठाए और उसका आर्थिक स्थिति जो है किसान का और अच्छा हो, इसके लिए हमने एक बात उनके सामने रखा और उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ आने वाले दिनों में इसके लिए हम ज़रूर कुछ कदम उठाएंगे और इसका समाधान हम दिलाएंगे। और साथ ही साथ में जो सेक्रेटरी साहब हमारे, ये फॉरेस्ट के भी सेक्रेटरी हैं और IT के भी, तो IT से संबंधित भी हमारे बीच में जो हमारे युवा तरुण मौजूद था उन्होंने भी वो CSE के बारे में बात उठाई कि जो CSE अलॉटेड है वो जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक तरीके से क्योंकि उसका अलॉटमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए या तो उसको दुरुस्त किया जाए अदरवाइज़ उसको रीअलॉटमेंट किया जाए जो कि बहुत ज़रूरत है क्योंकि CSE अगर खुल जाता है तो बहुत सारे काम CSE से हो जाता है जो सरकारी दफ्तरों में जाने के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ को भी सेक्रेटरी साहब ने माना है और उम्मीद है कि इसमें भी कुछ काम होगा। और साथ ही साथ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं यहाँ पे घर का मरम्मत करना, रिपेयर करना या छोटा घर भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बालू से जो समस्या है, बालू नहीं मिलने का, और उसके बारे में जो बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इमिडिएटली इसका भी जो है जो फाइल कहीं भी फंसा है, कहीं पर भी अगर फंसा है तो इमिडिएटली उसको जो है निकाल करके उसको पास करके यहाँ पर देंगे। और ACF साहब को भी कुछ डायरेक्शन दिया इसके बारे में कि इसमें कुछ काम करे और तुरंत लोगों को बालू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो पिछले दिनों में जो बालू TP वगैरह इशू हो गया है, रॉयल्टी ले लिया है, लेकिन जो जगह से बालू देने का बात था, जो परमिशन था, वह उस जगह से जो है लोग बालू को नहीं उठा पाए, तो उस बालू को भी अभी नया जब अलॉटमेंट होगा तो वो पिछले जो लोग छूट गए थे उनको भी देने का एक बात ACF साहब को सेक्रेटरी साहब ने बताया। तो ये बहुत खुशखबरी है कि लोगों को ये भी जो बहुत दिनों से जो लोग चाहते थे कि बालू मिले और वो रुका हुआ था, तो इसमें भी कुछ समाधान निकलने का हमको नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा रहा, सेक्रेटरी साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रशासन का भी कि किसान का जो बात को सुनते हुए उन्होंने सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे भेजा और एक अच्छा एक जो उनका जो बातचीत और जो संवाद हुआ है किसानों के साथ में, इससे लग रहा है कि बहुत जल्दी किसानों का समस्या का समाधान होने वाला है। तो इसलिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और निकोबार टाइम्स आपको भी धन्यवाद जो आपने कवर किया, किसानों का मुद्दा को भी कवर किया, रैली को भी कवर किया और किसानों को जो बात है, समस्या है, उसको हमेशा आप हमेशा लेके जाते हैं। तो इसके लिए मैं निकोबार टाइम्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।